तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक आज हम ऐसा प्रोग्राम देखेंगे कि जो लॉजिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रोग्राम है। छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन इसके अंदर जो लॉजिक डेवलपमेंट है, जिस तरीके से लॉजिक डेवलपमेंट की डेवलप किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, हम लोगों ने फंक्शंस, एक पॉइंट देखा था हमारा सी प्रोग्रामिंग में, फंक्शंस देखे थे। तो फंक्शन में एक पॉइंट देखा था हमने, रिकर्शन। ठीक है, तो रिकर्शन क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो फंक्शन खुद को कॉल करता है। एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है, उस फंक्शन को हम रिकर्शन कहते हैं। तो पहले ये प्रोग्राम जो है, हम डायरेक्टली प्रोग्राम देखते हैं इसका। पहले एक प्रोग्राम हम सिंपली इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद वही प्रोग्राम हम रिकर्शन फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोग्राम है फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। फैक्टोरियल का प्रोग्राम आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल होता क्या है? ठीक है, एक स्पेसिफिक नंबर, मान लीजिए कि हमने एक 5 नंबर लिया, तो 1 से लेके 5 तक ये हम लोग इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। इन नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे और जो भी इसका आउटपुट आएगा तो वो क्या होगा, इस 5 का फैक्टोरियल। मीन्स कैसे होगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो इसका क्या आना चाहिए आउटपुट? सौ बीस 120, सॉरी 120। तो ये हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 5, और इस 5 का हम लोग फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। तो फैक्टोरियल क्या है हमारा 5 का? 120। 120। ठीक है, 120 कैसे आया? इनटू कर दे, इनटू करके आए ये सारे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ किसी को? नो सिंपल कैलकुलेशन है ये। ठीक है, यस सर। मान लीजिए कि ये जो दो नंबर है, इन दो नंबर का आउटपुट क्या आया? 2। तो ठीक है, सर ये बस ये क्या है? जी क्या कुछ कहा आपने? नो सर, इन दोनों का आउटपुट क्या आया? 6। 6 × 4 × 5। इन दोनों का क्या आएगा? 24 × 5, और इनका क्या आएगा? 120। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं।
स्क्रीन शेयर हो रहा है? तो हमारे प्रोग्राम में पहली लाइन क्या है? हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये हम क्यों लिखते हैं? ताकि प्री प्रोसेसर के थ्रू हम लोग क्या कर सके, जो हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट हेडर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर, वो फाइल हम हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर सके। इस वजह से हमने हैश इंक्लूड stdio.h ये फाइल यहाँ पर लिखी है, ताकि वो फाइल हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाए। मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा हमारा प्रोग्राम। अब हम जो नंबर लेंगे वो इंटीजर नंबर लेंगे, इसलिए हमने लिखा इंटीजर। मान लीजिए कोई एक नंबर ले लिया, हमने एक वेरिएबल ले लिया आई, फैक्ट नाम का एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसको इनिशलाइज कर दिया वन से, और एक नंबर एक और ले लिया। तो तीन वेरिएबल्स हमने ले लिए, ठीक है। स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कीबोर्ड के थ्रू हमें इनपुट लेना है। हमें क्या करना है, कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट लेंगे। तो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कैसे लेते हैं हम? स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू। स्कैनएफ फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक मैसेज दे देंगे। मैसेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंटएफ फंक्शन। स्लैश एन क्यों यूज़ करते हैं हम? स्लैश एन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? एन का मतलब तो सर नंबर, जो भी हम लोग सर नंबर लें उसमें मतलब जो भी प्रिंट होगा वो नंबर में प्रिंट होते हैं। स्लैश एन हम लोग न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो जब भी ये लाइन प्रिंट हो, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो, नए लाइन पे प्रिंट हो, ठीक है। एंटर नंबर। स्लैश टी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो स्लैश टी हम लोग यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, ठीक है। स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू हम लेंगे। अब यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे परसेंटेज क्या आएगा? सर डी, परसेंटेज डी आएगा। बढ़िया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि नंबर के किस एड्रेस पे स्टोर करना है हमें? तो हमने कहा कि नंबर के जो एड्रेस है, उस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू हमने यहाँ पे नंबर सेव कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हमारी मेन लॉजिक की बात। सेव कर लेते हैं पहले प्रोग्राम। अब आते हैं हमारे लॉजिक की बात। हमने क्या किया था कि एक से लेके पर्टिकुलर उस नंबर तक, मान लीजिए कि हमने 5 लिया है, ठीक है, तो एक से लेके 5 तक हमें मल्टीप्लिकेशन करना था, सही है? यस सर, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक से लेके 5 तक हमें जाना होगा, मतलब उस पर्टिकुलर नंबर तक। एक ही स्टेटमेंट रिपीट होगा, तो रिपीटेडली कोई स्टेटमेंट अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं हम, ठीक है, लूप्स यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए हमने फॉर लूप यूज़ किया, ठीक है, जो एक वेरिएबल लिखा है ऊपर आए, उसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब आए की वैल्यू हमने 1 कर दी। फॉर लूप में दूसरी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, सॉरी, सेमीकोलन के बाद क्या होता है, दूसरे स्टेप क्या होता है, कंडीशन देनी होती है। ये आय कब तक चलेगा, कंडीशन कब तक चलेगी? जब तक ये नंबर आय की वैल्यू उस नंबर से छोटी या उस नंबर के बराबर नहीं है, तब तक, ठीक है, तब तक ये लूप चलेगा। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आय प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है फैक्ट, ठीक है,
तो फैक्ट में अभी कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू क्या है फैक्ट की? वन वन है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई, जो भी आई की वैल्यू है उस आई की वैल्यू से इस फैक्टोरियल को जो यहाँ पे है इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ GCH कंपाइल करके देखते हैं हम, हमारा प्रोग्राम रन करके देखेंगे। एंटर नंबर हमने दिया 5, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 120 फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 आ गया। यस सही है, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन उसका सक्सेसफुली हो रहा है और ये प्रोग्राम हमें आउटपुट भी सही दे रहा है, ठीक है। अब हमें चेक करना है, मान लीजिए कि हम लोग चेक करना चाहते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग चेक करेंगे कि फैक्ट की वैल्यू क्या है, पर धीरे धीरे चेक करते हैं इसे। स्क्रीन क्लियर हो गई हमारी, स्कैनर के थ्रू हमसे नंबर मांगा गया, हमने दिया 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टोरियल में क्या है, फैक्ट में क्या है, एक है, ठीक है। तो अब और आई की वैल्यू क्या है, ये भी एक है, तो 1 × 1 क्या होगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1। देखिए 1 आ गया, ठीक। अब i प्लस प्लस हुआ, ठीक है, i की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई, यहाँ पे क्या है i की वैल्यू 1, तो अभी क्या हुई, i की वैल्यू 2 हुई, ठीक है। तो नंबर क्या है हमारा, नंबर 5 है, तो i की वैल्यू 2 कहाँ लिखी, नहीं अभी प्लस प्लस हुआ ना, ये i प्लस प्लस लूप में चल रहा है ना, आई प्रिंट हुआ, यहाँ पर आई प्रिंट हुआ, उसके बाद ये फिर से लूप में आया है, कंडीशन चेक हुई, आई इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो एक से एक नंबर 5 नंबर से छोटा है, तो इसलिए कंडीशन ट्रू हुई, तो लूप में आया और ये एक प्रिंट हुआ। अब आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू क्या हुई, 1 से प्लस प्लस होने के बाद 2 हुई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो अभी भी क्या होगा, लूप में आया रहेगा। तो फैक्ट में क्या है, अभी फैक्ट में क्या है, एक है ये, तो 1 × i, i की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हाँ ठीक है, 1 × 2, तो क्या होगा, 2 होगा, प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, देखिए ये 2 आया, हम लोग स्लैश एन नहीं दिया है, यहाँ पे स्लैश एन दे देते हैं, देखिए स्लैश एन देंगे हम तो ये न्यू लाइन पे आएगा, वन टू, ठीक है। अब 2 के बाद क्या हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, अब आई की वैल्यू क्या हुई, 3, ठीक है, आई की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई। अब फैक्टोरियल में ये जो फैक्ट है इसमें कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 × 3 कितना हुआ, 6, ठीक है, आई प्लस प्लस,
आई की वैल्यू क्या हुई, 4, 4 इंटू 6 24, आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू क्या हुई, 5 हुई, क्या आई मतलब आई की वैल्यू क्या हुई, 5, तो 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 नंबर, ये जो नंबर है, तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, तो अभी आया है यहाँ पे, आई की वैल्यू 5 कैसे हो गई, आई प्लस प्लस हो रहा है ना, जी सर, आई प्लस प्लस हो रहा है, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक आई प्लस प्लस हो रहा है। अब 24 इंटू आई मतलब आई की वैल्यू क्या है, 5, तो 24 इंटू 5 120, अब क्या हुआ यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर, 6, कंडीशन जब चेक होगी तो क्या होगा, 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, इसलिए क्या हुआ हमारा लूप ब्रेक हो गया। जैसे ही लूप ब्रेक हुआ तो उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमारा कर्सर आ गया और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5 इज 120 और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, इस प्रोग्राम में कोई समस्या? नो सर। आसान है प्रोग्राम? यस सर, इजी था सर। ठीक है, चलिए, ग्रेट। ठीक है, इसको रहने देते हैं, ऐसे ही नया प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब हम यही प्रोग्राम करेंगे लेकिन फंक्शन के थ्रू करेंगे, रिकर्शन फंक्शन के साथ। पहली लाइन हमारी हैश इंक्लूड stdio.h, अच्छा अब हम क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं पहले। रिकर्स डॉट, अब हम क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, एक एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, फंक्शन लिखते हैं रिकर्शन फंक्शन। ठीक है, फैक्ट नाम से एक फंक्शन लिखते हैं, फैक्टोरियल लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल देंगे हम उसे एन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इफ अगर ये एन इक्वल टू 0 है तो क्या करो, यहाँ से रिटर्न करो 1 को, एल्स क्या करना है, रिटर्न कीजिए n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अब आते हैं यहाँ पे फंक्शन में, इंट दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, हमने लिया नंबर और फैक्ट। स्क्रीन क्लियर कर लेंगे clrscr से, कंसोल स्क्रीन। ठीक है, क्या करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेंगे, स्लैश एन, एंटर द एंटर नंबर, परसेंट डी क्यों लिया हमने, ताकि ये, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है,
और नंबर हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। हमारे पास फंक्शन कौन सा है, किस नाम से है फंक्शन, फैक्टोरियल नाम से फंक्शन है हमारा, तो उस फंक्शन को हम लोग यहाँ से कॉल करेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल, और उसको क्या देना है, हमें एक नंबर पास करना है, दे दिया हमने यहाँ पर। लेकिन अब क्या है कि ये जो फैक्टोरियल है फंक्शन, ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर वैल्यू, तो हमें ये कलेक्ट भी करना होगा एक इंटीजर में, तो इसलिए हमने ये कलेक्ट किया। ये जो वेरिएबल है यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल फैक्ट, उसमें हमने ये वेरिएबल कलेक्ट कर लिया। प्रिंट करेंगे अब, फैक्टोरियल ऑफ प्राइस, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। कंपाइल किया हमने, जीरो एरर जीरो वार्निंग, रन करके देखा हमने, सेम नंबर देते हैं 5 120। ठीक है, तो हमारा ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरीके से ये हम लोग इसको एग्जीक्यूट, इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है ये देखते हैं। सी प्रोग्राम है, तो सी प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए, नंबर और फैक्ट नाम से इंटीजर टाइप के, सीएलआर एससीआर से क्या होगा, ये जो आउटपुट स्क्रीन है ये क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गई स्क्रीन, एंटर नंबर, हमसे नंबर मांगा गया, हमने नंबर दिया, स्कैनर के थ्रू ये नंबर ले रहा है हमसे। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए स्कैनफ के थ्रू इसने हमसे नंबर ले लिया, तो फैक्टोरियल सॉरी फैक्ट, ये जो वेरिएबल है ये फैक्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल क्या है कि राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होती है। तो राइट हैंड साइड क्या है, फैक्टोरियल फंक्शन है एक, उस फंक्शन को कॉल किया गया है, तो कर्सर कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ से हमने क्या पास किया है उसे, नंबर, जो कि ये नंबर है 5, तो ये 5 नंबर कहाँ कलेक्ट होगा, एन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया, अब चेक होगा इफ़ एन इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या एन की वैल्यू ज़ीरो है, एन की वैल्यू ज़ीरो है क्या, एन की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास, 5, जो कि यहाँ से हमने पास किया था यहाँ पे। देखिए डाउट है तो देख लेते हैं, एन, एन की वैल्यू क्या है, 5, दिख रहा है, यस सर। तो 5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो ये एल्स सेक्शन में आएगा। एल्स सेक्शन में एक ही हमारा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में क्या है, रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, n इंटू फैक्टोरियल, तो क्या है, फैक्टोरियल n माइनस वन, n माइनस वन पहले एग्जीक्यूट होगा, ये ब्रैकेट है तो पहले एग्जीक्यूट होगा। हम लोगों ने प्रिसीजंस देखे थे ऑपरेटर प्रिसीडेंस में, हमने देखा था कि पहली प्रायोरिटी किसे दी जाती है। ठीक है, तो पहले ये हो जाएगा, तो अभी क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 5, तो अब ये क्या होगा, फिर से एग्जीक्यूट होगा, माइनस वन से क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये क्या है, एन क्या है हमारा, 5 है, फैक्टोरियल एन माइनस वन, तो 5
फाइव माइनस वन कितना हुआ? फोर। फोर तो फोर फिर से एक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इनका, फाइव इंटू फोर कितना हुआ? ट्वेंटी। और फिर ये कॉल हुआ, ठीक है। अब n माइनस वन है तो यहाँ पे अब n की वैल्यू क्या है? फोर हो गई है n की वैल्यू। देखिए n की वैल्यू क्या है? फोर है। फिर से चेक होगा तो ट्वेंटी इंटू फोर कितना हुआ? अब क्या हुआ? सिक्सटी इंटू थ्री कितना हुआ? 180। 60 ही बोले ना, सॉरी कुछ गलत हो गया क्या? हाँ एक मिनट, इसे प्रिंट कर लेते हैं। एन को प्रिंट किया हमने यहाँ पर, स्लैश एन और स्लैश टी देके हम लोग रिटर्न नहीं होगा फिर स्टेटमेंट, ठीक है। एग्जीक्यूशन देखते हैं, फाइव, ठीक है। देखिए अब कॉल हुआ, एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू क्या है? पाँच, ठीक है। तो अब ये प्रिंट होगा, ठीक है। एन की वैल्यू वन हुई, रिटर्न हो रहा है एक्स वन, एक एक वैल्यू रिटर्न हो रही है वन। अब वन इंटू टू क्या हुआ? वन टू हुआ, टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू थ्री सिक्स।
अब क्या होगा, 6 इंटू 4 24, ठीक है, 24 इंटू 5 120। इस तरीके से ये रिकर्शन फंक्शन कॉल एग्जीक्यूशन होगा, और जैसे ही ये और ये 120 कहाँ कलेक्ट हुआ, यहाँ पर फैक्टोरियल फंक्शन रिटर्न हुआ वहाँ से, और ये कलेक्ट हुई वैल्यू फैक्ट में इंटीजर वेरिएबल में, और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, हाँ क्लियर हुआ है, ये फैक्टोरियल क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो आज रुकते हैं फिर यहीं। ओके सर। ये प्रोग्राम बहुत ध्यान से देखिएगा, रिकर्शन फंक्शन के लिए अगर आप किसी कंपनीज में जाते हैं एज अ फ्रेशर वगैरह इंटरव्यू के लिए, तो कई बार पूछा गया है ये प्रोग्राम के विथ रिकर्शन फंक्शन आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो होता है, तो ये प्रोग्राम्स ऐसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए बताए जाते हैं। ठीक है।